सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कल जो वेबिनार हुआ था, कल बहुत फैंटास्टिक वेबिनार रहा। और कल हमारे एस मुफारिस सर ने अपडेट देने से पहले अपने मन की बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की और वो बातें कोई आम बात नहीं थी, आम चीजें नहीं थी। वो एक ऐसी चीजें थी जो कि एक ऑन पैसिव के ऊपर एक आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। उसके बाद जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है ना, वो उसको बाहर निकाल के दूर कर देगा। और जो आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट हो सकता है, उसको बाहर निकाल के एकदम से बिल्कुल जीरो कर देगा। उसके बाद खुद को अंदर से अगर आपको मजबूत बनाना है, तो ऐश मुफारिस सर ने जो बातें कही हैं, वो आज आपको सही मायने में सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश में सारा का सारा मैटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आज आपको वो सारी की सारी चीजें हिंदी में बताने वाला हूं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो मन है, आपका जो अंदर से जो दिल है आपका, कॉन्फिडेंस से भर जाएगा। जी हाँ, कॉन्फिडेंस से भर जाएगा। अगर नहीं भर जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कॉन्फिडेंस से भर जाएगा। उन्होंने इतनी सारी बातें कही हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक बहुत तगड़ा विकास होने वाला है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। क्योंकि देखिए, एस मुफारिस सर जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, क्योंकि वो अपडेट भी देते हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपीरियंस भी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसलिए उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो बातें कही थी ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआती दौर में, कल रात में जैसे ही एस मुफारिस सर हमारे उस वेबिनार में शिरकत करते हैं, एंटर करते हैं, तो उन्होंने शुरुआत में जो जो बातें कही थी, उन सब बातों को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना बेहद जरूरी है, और आपको सुनना भी बेहद जरूरी है। शुरू से लेकर एंड तक एक एक बात उनकी पॉइंट टू नोटेड है। जी हाँ, पॉइंट टू नोटेड है, ध्यान से सुनना। उन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी वो की थी, मैं ऐश हूं और मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। आप अपनी लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी काम से प्यार करते हैं, 100% आप उसमें सफल होंगे। इस बात को ध्यान रखना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि खुशी के लिए किए जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुशी पाने के लिए या खुशी के लिए किए जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो खुश होकर के किए जाते हैं। और जो काम जिंदगी में खुश होकर किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, उस काम में उस इंसान को 100% सफलता मिलती है, और हमेशा वो व्यक्ति वो अपने काम से प्यार करता है। उसके बाद मुझे आशा है कि आप अपना उद्देश्य जानते हैं। हमसे ये कह रहे हैं सब लोग, एस मुफारिस सर हम सब फाउंडर से ये बात कह रहे हैं कि हम सब अपना उद्देश्य जानते हैं, ये मैं आशा करता हूं। और आपके उद्देश्य के लिए हमेशा आपको कुछ भी आविष्कार करने या कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, उतने सारे आविष्कार तो मैं खुद ही कर दूंगा। उसके बाद एस मुफारिस सर ने एक बात कही थी कि मेरा उद्देश्य ऑन पैसिव है, मेरा उद्देश्य ऑन पैसिव है, यानी कि ऑन पैसिव को एक ऐसी ऊंचाइयों तक लेके जाना है जहां पे हम सब लोगों का करियर पूरी तरीके से फिक्स हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि हम जानते थे कि सामान्य तौर पर चीजों को करने का एक बेहतर तरीका होता है। जी हाँ, सामान्य तौर पर चीजों को करने का एक बेहतर तरीका होता है। एक इमारत हमेशा एक इमारत ही रहेगी। जी हाँ, एक इमारत, एक बिल्डिंग हमेशा बिल्डिंग ही रहेगी, एक पेड़ हमेशा एक पेड़ ही रहेगा, और इंसान, इंसान एक ऐसी चीज है जो कुछ भी हो सकता है, समय के अनुसार बदल सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्पावर होती है, बहुत ज्यादा सुपीरियर पावर होती है। वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, और कुछ भी बन सकता है, और कुछ भी किसी भी हालत में वो बिगड़ भी सकता है। तो इंसान कुछ भी हो सकता है और हम महानता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने महानता के बारे में कहा है कि हम महानता हासिल कर सकते हैं, ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, और हम यहाँ सिर्फ खाने पीने सांस लेने और जीवित रहने के लिए नहीं आए हैं, हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। और मेरा मानना है कि इस सब के पीछे एक क्रिएटर, बहुत बड़ा क्रिएटर छुपा हुआ है। सर्वाइवल हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में अगर आपको केवल सर्वाइव करने के लिए ही अगर इस पृथ्वी पे आए हो, तो आप कीड़े मकोड़े और जो है जानवरों के बराबर ही आपकी जिंदगी है। आपको इंसान जो है बनने का कोई हक ही नहीं था। केवल आपको केवल पेट भरना है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, ठीक है। तो इससे तो बढ़िया है कि वो जानवर है जो कि सुबह उसको मिल जाता है, शाम को उसको मिल जाता है, उसके बाद सो जाता है, फिर उसकी वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एस मुफारिस सर ने बोला है कि सर्वाइवल हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, जिसे हम प्राप्त करने के लिए बनाए, इसी के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है कि केवल सर्वाइव के पीछे भागना है। उसके बाद जो कहते हैं कि जब
हम साथ आते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब एक टीम वर्क साथ में होती है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मनुष्य के रूप में हम 11 मिलियन मील दूर किसी भी वस्तु से टकरा सकते हैं। यह एक सुपर पावर है, यह एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और इसका क्रिएटर एक सुपीरियर सुपर पावर है। इसलिए एज ए टीम हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जब इंसान चंद्रमा के ऊपर चला गया, मार्स के ऊपर चला गया, तो यहां पर आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जिंदगी में। तो एस मुखारे सर हमारे अंदर इसी चीज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ साल पहले हमने इस टेक्नोलॉजी को बनाने का फैसला किया था और अगर आप दूसरों पर विश्वास करते हैं और दूसरों को भी विश्वास है, यानी कि दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं, पहले दूसरों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और दूसरों को भी विश्वास है अगर आपके ऊपर, तभी हमने काम करने का फैसला किया था। जी हाँ, ऐसे ही एस मुफारिस सर ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने का फैसला नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे तो आने वाले दौर में जो भी नए लोग आएंगे वो आपके ऊपर भी भरोसा करके ही आएंगे। तो एस मुफारिस सर ने इतनी बड़ी बात कह दी उस समय जब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाने का शुरुआत किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि तभी हमने काम करने का फैसला किया, कोई हमारे पास प्लान बी नहीं है, यह करो या मरो में से सिर्फ करने का ही प्लान है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ करने का ही प्लान है, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि करना है या मरना है, कोई मरने का प्लान हमने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। ओके, उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ करने के बारे में ही सोचा है। हमने एक प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत की और दूसरा भी हमने बनाया, हमने एक सिंगल साइन ऑन के साथ एक नया इंटरनेट बनाया, बिल्कुल नया इंटरनेट बनाया, और अब हमारे पास 1.4 मिलियन विनर्स हैं। जी हाँ, यानी कि हम सब फाउंडर्स कितने हैं, 1.4 मिलियन विनर्स हैं। हम 100% डेबिट फ्री हैं, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, किसी भी सीईओ के लिए, किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है डेबिट फ्री होना, कोई भी कर्ज नहीं होना, ये सबसे अच्छी बात होती है। वरना बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कर्ज के मारे डूब के मर गई और उसके बाद वो पता नहीं उसका आता पता नहीं चला, ये सबसे अच्छी बात है। हम सब लोगों के लिए पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव थिंक है ये। उसके बाद हम डेबिट फ्री हैं और यदि आप अपना $97 वापस लेना चाहते हैं तो हम इसे वापस भेज देंगे, आप जब चाहे वापस ले सकते हैं, निसंदेह आप जब चाहे मेल कर दीजिए, आपको $97 तुरंत आपको वापस मिल जाएगा। आप मेरे हिसाब से कोई भी फाउंडर ऐसा नहीं होगा जो कि वापस लेना चाहेगा। हमने एथिकल तरीके से इंटरनेट को फिर से डिजाइन किया है और हम अपने साथ लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, यानी कि अपलिफ्ट कर रहे हैं, दूसरों को शीर्ष पर ले जाना बहुत अधिक संतोषजनक है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी को हाथ पकड़ के ऊपर की ओर लेके जाता है। हम पहले से ही टॉप पर हैं, यह एक दुकान होनी चाहिए थी लेकिन अब यह सब एक साथ हो गया है। अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हर क्षेत्र का एक टुकड़ा हमारे पास है, यानी कि हर देश से हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद है एज ए फाउंडर के रूप में। उसके बाद आपको जो कुछ भी ऑनलाइन करने की आवश्यकता है सभी एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद हैं और AI टेक्नोलॉजी वाले सारे के सारे और ऑटोमेटिक वाले टेक्नोलॉजी वाले सारे के सारे एप्लीकेशन है। आपको अपने जीवन में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जीवन में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपना समय भी बचाएंगे और आपको निराश नहीं होने दिया जाएगा। ओके, आपके लिए सारा का सारा काम एक ही जगह पर किया जाएगा, बिल्कुल आपको अलग अलग टूल्स लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। उसके अलावा फाइनेंशियल, लाइफस्टाइल, एजुकेशन एंड सोशल एवरीथिंग, आपको कभी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहां पे ही एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। उसके बाद एस मुफारिस सर बोलते हैं कि मैंने यह जो काम किया है वो प्रसिद्धि या फिर पहचान के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है, पहचान के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है, मैंने इसे सही और सही तरीके से किया है। ऑन पैसिव के रूप में नए परिवर्तन की ओर बढ़ने की मानसिकता पर काम करें, समय बचाने और तनाव को दूर करने के लिए खोज समाप्त हो गई है, यानी कि हमें जो टेंशन होती थी कि रुपए की टेंशन हो या किसी और चीज की टेंशन हो, वो सारी की सारी टेंशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आप इसकी तुलना अतीत की किसी भी चीज से जो है नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग ही चीज है।
आपको अपनी विचारधारा बदलने की जरूरत है। हमने जो काम शुरू किया था वह जागृत हो चुका है और यह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और हम ये मानते थे कि जब लोग एक साथ आएंगे तो महानता हासिल की जा सकती है। और हमने अपने विजन का विस्तार और ज्यादा बढ़ा लिया है। हम नहीं रुके और हमने फाउंडर्स को मोनेटाइज करने का अवसर भी दिया। मोनेटाइज करने का मतलब समझते हो, जब फाउंडर्स को मोनेटाइज कर दिया जाता है तो वहां से आपकी रिवेन्यू बननी स्टार्ट हो जाती है। आपके $97 का उद्देश्य केवल आपको क्लाउड होस्टिंग और अपने डोमेन के साथ अपना व्यवसाय बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही देना है। जी हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि $97 में आपको एक डोमेन की साइट मिल रही है, वरना इस पर कोई भी अगर आप साइट परचेस करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को खरीदना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे हर महीने आपको खर्चा यहाँ पे उठाना पड़ता है। लेकिन कंपनी हमें सिर्फ और सिर्फ उसी फाउंडरशिप की ही रकम में हम सबको फ्री में दे रही है। और डिजिटल मुझे आपका मित्र बनना ज्यादा अच्छा लगता है मैं आपका सीईओ बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं आपका फ्रेंड हूं। और हमेशा ये बोलते हैं, आई एम योर फ्रेंड। यदि आप अपने जीवन में कहीं भी जाना चाहते हैं तो जानबूझकर सुनिश्चित करें कि वह रास्ता आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव रास्ता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा चाहते हैं कि आप इस नए मिशन पर उनके साथ आगे बढ़ें। और अगर हम इन सब बातों से सहमत हो सकते हैं तो ऐसा हमारी हर संभव और हर समय हमारी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग कंपनी को ब्लैकमेल करके और उसको गलत तरीके से लेन देन करके पागलपन का काम कर रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें पहुंची हैं कंपनी के अंदर के किसी के पास पेंडिंग आईडी है तो वो इतने की बिक्री है, तो बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से जो उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन उनको कोई भी किसी भी हालत में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपने भी अगर ये काम किया है तो आप भी थोड़ा सा संभल जाइए, आपके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं बहुत अधिक बड़ी है, और बहुत ज्यादा सुपीरियर भी है। ऑलवेज रिमेम्बर, यह आपको हमेशा के लिए परेशान करेगा, ध्यान रखना। जो भी आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं यह आपके लिए हमेशा के लिए परेशान करेगा, और इसको हम कानूनी तरीके से हैंडल करेंगे। अभी भी विभिन्न क्षेत्रों से कई नेगेटिव जो है अटैक हो रहे हैं, नेगेटिव एक्टिविटी करने वालों को बहुत नुकसान होगा क्योंकि ऑन पैसिव का स्ट्रक्चर किसी भी शैडी एक्टिविटी पर हावी हो चुका है। जी हाँ, तो ये सारी की सारी जो बातें कहीं हमारे एस बुफारे सर ने, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली होंगी, सुनने को मिली होंगी कि किस तरीके से उन्होंने कहा है, यानी कि अपनी मन की बातें भी कहती हैं और गलत तरीके से काम करने वालों को बिल्कुल भी यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। और अगर आप सही हैं तो हमेशा एस सर आपके साथ रहेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो अपडेट मिली है, एस सर ने जो अपने मन की बात कही है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, वो हम धीरे धीरे करके अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर इन इट टू विन इट।